हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनीष स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जेस्ट में। आज मैं आपको बताने वाला हूं केवीएस 2019 नोटिफिकेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज आपको बताने वाला हूं केवीएस 2019 रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जो आ चुका है उसके बारे में। एग्ज़ाम डेट कब है, वैकेंसी कितनी है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से फिल होने स्टार्ट होंगे, सैलरी कितनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और सिलेबस कितना है, एक ही वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से फ़ायदा ये होगा कि अगर फ्यूचर में मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर के अंदर ही स्टार्ट होंगे। एग्ज़ाम डेट और ऑनलाइन करेक्शन फॉर्म और एडमिट कार्ड के बारे में अभी कुछ नहीं पता चला है। हाँ, लेकिन जो केवीएस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, वो एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के लास्ट में, दिसंबर के स्टार्टिंग में आपसे कंडक्ट करा सकता है। इसके अंदर हम आप देख लेते हैं कि KVS TGT PGT एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम के बारे में देख लेते हैं कि कितने ड्यूरेशन का होगा। जो KVS PRT का पेपर है वो फर्स्ट शिफ्ट में अगर देखा जाए तो 9 बजे से 11:30 बजे तक, यानी कि 2.5 घंटे का होगा। सबकी जो KVS के जो TGT PGT PRT और PGT और KVS लाइब्रेरियन सबका जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन रखा गया है वो 2.5 घंटे रखा गया, यानी कि 2.5 आवर, यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 150 मिनट आपको मिलेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बारे में हम आप जान लेते हैं। वैकेंसी जो है TGT KVS TGT की जो वैकेंसी है वो टोटल वैकेंसी अगर देखा जाए तो जनरल में 938 हैं। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़, आर्ट्स, वेट, P&HE, इन सब को मिलाकर UR के लिए 938 वैकेंसी हैं। OBC के लिए टोटल मिलाकर 520, SC के लिए 300, ST के लिए 142, और जो टोटल ये वैकेंसी हैं ये 1900 वैकेंसी हैं। यहाँ पर कुछ हैंडीकैप्स के बारे में भी वैकेंसी हैं, 15, 18, 2, ये आप देख लीजिए। अब हम बताते हैं आपको PRT KVS PRT के बारे में। इसके अंदर UR में 2672 पोस्ट हैं, OBC में 1431 पोस्ट हैं और SC के अंदर 798 पोस्ट हैं, ST के अंदर 399 पोस्ट हैं। ये टोटल जो पोस्ट हैं ये 5300 पोस्टेज हैं और जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए अलग पोस्ट रखी गई हैं। KVS प्राइमरी टीचर म्यूज़िक ग्रुप B वैकेंसी, इसके अंदर आप देख लीजिए UR के लिए 101 वैकेंसी हैं, OBC के लिए 54, SC के लिए 31, ST के लिए 15 और टोटल जो ये वैकेंसी रखी गई हैं ये रखी गई हैं 201। और इसके अंदर भी जैसा कि आप देख सकते हैं कि हैंडीकैप्स के लिए अलग वैकेंसी रखी गई है। KVS लाइब्रेरियन UR के लिए 24 पोस्ट हैं, OBC के लिए 14 पोस्ट हैं और SC के लिए 8, ST के लिए 4, टोटल मिलाकर ये 50 पोस्ट हैं और इसके अंदर भी हैंडीकैप की जो पोस्ट रखी गई हैं अलग रखी गई हैं। इसके अंदर KVS PGT के बारे में अगर हम वैकेंसी के बारे में देखें तो सब्जेक्ट सेम है थोड़े, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट डिफरेंट भी हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस। इनके अंदर जो UR की वैकेंसी अगर हम देखते हैं तो वो 277 है, OBC की 172 और SC की 95 और ST की 98 और टोटल मिलाकर 548 हैं, सॉरी ST की, और टोटल मिलाकर 552 वैकेंसी हैं। इसके अंदर भी जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग वैकेंसी रखी गई है, ये आप देख सकते हैं। जो KVS प्रिंसिपल है ग्रुप ए वैकेंसी के लिए, उनके लिए UR के लिए जो पोस्ट रखी गई हैं 41, OBC के लिए 19, SC के लिए 11 और ST के लिए 5, टोटल पोस्ट 76 हैं।
केवीएस वाइस प्रिंसिपल के लिए जो रखी गई हैं, यूआर के लिए 117, ओबीसी के लिए 57, एससी के लिए 31 और एसटी के लिए 15, टोटल पोस्ट जो हैं 220 हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल होना स्टार्ट होंगे, जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मंथ ऑफ अक्टूबर में होंगे, इसी मंथ में आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होंगे। सैलरी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। प्रिंसिपल ग्रुप ए पे लेवल 12, इसके अंदर जो सैलरी होगी मैं आपको अप्रोक्स डाटा बताऊंगा, ये एक्यूरेट पढ़कर नहीं बताऊंगा, 78,000 से 2 लाख के करीब। और जो वाइस प्रिंसिपल है ग्रुप ए के अंदर, उनके 56,000 से 1,77,000 के करीब होगी सैलरी। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी ग्रुप बी वाले जो होंगे, उनकी 47,000 से 1,51,000 के बीच सैलरी हो सकती है। ट्रेनिंग ग्रेजुएट टीचर, इसके अंदर जो पे लेवल है वो 7 है और 44,000 से 1,42,000 तक सैलरी हो सकती है। लाइब्रेरियन की जो सैलरी है पे लेवल 7 है, 44,000 से 1,42,000 सैलरी उनकी हो सकती है। प्राइमरी टीचर ग्रुप बी पे लेवल 35,000 से 1,12,000। प्राइमरी टीचर म्यूजिक ग्रुप बी पे लेवल 6 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी हो सकती है। इसके अंदर जो क्राइटेरिया रखा गया है पीजीटी टीजीटी और पीआरटी के लिए केवीएस के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। कैंडिडेट ने सी टेट का जो एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसको क्वालिफाई किया हो, एलिजिबल हो, उसके लिए एलिजिबल हो, और संभाव उसके पास रिलेटेड ट्रेड से डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे कि जेबीटी होता है, बीटीसी होता है, ऐसा कुछ सब होना चाहिए। है एज रिलैक्सेशन या एज के बारे में, प्रिंसिपल की जो एज होनी चाहिए, मिनिमम एज जो रखी गई है वो 35 साल और मैक्सिमम एज 50 साल। वाइस प्रिंसिपल की मिनिमम 35 साल और मैक्सिमम एज 45 साल। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी जो टीचर है, मैक्सिमम एज 40 साल रखी गई है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी मैक्सिमम एज 35 साल। लाइब्रेरियन की भी मैक्सिमम एज 35 साल। प्राइमरी टीचर की मैक्सिमम एज 30 साल और प्राइमरी टीचर म्यूजिक की मैक्सिमम एज 30 साल। सिलेबस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सिलेबस जो है, सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ केवीएस टीजीटी पीजीटी एंड पीआरटी वैकेंसी ऑलमोस्ट द सेम, बट दिस टाइम लिटिल मोर चेंज वर डन विद द फाइनल नोटिफिकेशन। ये कह रहे हैं कि जो केवीएस के पहले एग्ज़ाम होते थे, पैटर्न बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। द लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न हेल्प यू गेट टू हिंट ऑन द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स सब्जेक्ट टू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स डिफाइंड फॉर द डिफरेंट टेस्ट। इसके अंदर बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो आपको हेल्प करेगा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में। जैसे कि हम ये टीजीटी पीजीटी और पीआरटी के बारे में देख लेते हैं। इसके अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल नॉलेज या करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी पार्ट टू के अंदर रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, पैडागोजी और सब्जेक्ट कंसर्न, यानी कि जो भी आपका पीजीटी टीजीटी है उससे रिलेटेड। इसके अंदर जो है वो जनरल इंग्लिश में 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी में 10 क्वेश्चन, जीए में 10 क्वेश्चन, रीजनिंग में 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर में 10, पैडागोजी में 10 और आपकी जो रिलेटेड ट्रेड रहेगी या रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा उससे 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो पार्ट होंगे पेपर के अंदर वो 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, और टोटल क्वेश्चन 150 आएंगे और 150 ही मिनट आपको उनको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। देखिए आप, मैं आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। सिलेबस क्या है, मैं आपको एक बार सिलेबस के जो हाइलाइटेड टॉपिक हैं उनके बारे में बता देता हूँ। जो जनरल इंग्लिश में पूछा जाएगा वो स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, एंटोनिम सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर स्पॉटिंग एंड एडियम एंड फरेज। केवीएस सामान्य हिंदी में सिलेबस जो है पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्य सुधार, वाक्य में त्रुटि, मुहावरे और वर्तनियों में त्रुटि। जनरल अवेयरनेस में जो है टॉपिक वो बुक्स एंड
ऑथर इम्पोर्टेंट डे हिस्ट्री साइंस स्पोर्ट्स कंट्री अवार्ड एंड स्टैटिक जीके। ये मैं आपको मोटे मोटे टॉपिक बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। जनरली तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, अर्थमेटिक, लेटर्स, फिगर, वर्बल, रैंकिंग, नॉन वर्बल, एनालॉजी, डायरेक्शन, लॉजिकल सिमिलैरिटीज एंड अर्थमेटिक्स रीजनिंग। कंप्यूटर के अंदर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, नेटवर्क, नेटवर्किंग, इंटरनेट, एमएस विंडोज एंड एमएस ऑफिस। एडमिट कार्ड जो होंगे, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर के लास्ट में हो सकता है, और जो विल बी हेल्ड बोला गया है कि एडमिट कार्ड आपके 10 से 15 दिन पहले आ जाएंगे। अगर आप KVS के किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मेरा वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने से के बाद आप बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, इससे आपको पल पल की अपडेट हर एग्ज़ाम के बारे में मिलती रहेगी। थैंक यू।